तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिकेट विद चेतन पे। तो पहले मैच में धमाकेदार जीत के साथ आज इंडिया का इस सीरीज का दूसरा मुकाबला है। तो आज का मैच जीत के इंडिया इस सीरीज को सील कर सकती है, या फिर देखते हैं कि साउथ अफ्रीका धमाकेदार वापसी करके एक एक की बराबरी पे ये मैच खत्म करती है। तो आगे जानेंगे हम इस वीडियो में इस मैच के कुछ स्टेट्स एंड देन कुछ न्यूज़ अपडेट जो दोनों के स्क्वाड से आ रही है। तो ऐसी कुछ खास चीज़ों के लिए जुड़े रहिए आगे इस वीडियो में। तो आगे इस वीडियो में बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। एंड अगर आपने अभी तक बेल को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई वीडियो हम आप अपडेट करते हैं नए मैच का तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप किसी भी मैच को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये इस सीरीज का दूसरा मुकाबला है जो कि खेला जाएगा 2 तारीख यानी आज शाम को 7:30 बजे बांसपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में। तो आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसलिए हम ज्वाइन करने का इसलिए आपको इतना फोर्स करते हैं क्योंकि जो टॉस होता है उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं टीम में, तो उसके अपडेट हमको अभी पता नहीं चलते हैं, टॉस के बाद पता चलते हैं, तो उसका हमको आपको अपडेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने को बोलते हैं। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर ना पाए, और एक आपको बेहतरीन फाइनल टीम भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर मैं इस स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करता हूँ तो बांसपारा क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो एकदम स्लो पिच है, और कटर्स जो कटर यूज करते हैं बॉलर ये उनको हेल्प करती है, तो स्लो पिच है। और अगर मैं स्कोर्स की बात करूं तो ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े स्कोर नहीं बनते दिखाई दिए हैं अभी तक। और अगर फर्स्ट इनिंग की बात करता हूँ तो यहाँ तक अभी तक 127 का एवरेज रहा है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करते हैं तो यहाँ से 118 का एवरेज रहा है। और अगर इस पिच के स्टेट्स की बात करूँ तो अभी तक यहाँ पर टोटल 5 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दो मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं, वहीं बैटिंग करने वाली सेकंड ने 2 मैच जीते हैं, वहीं एक मैच नो रिजल्ट रहा था। और अगर इस स्टेडियम के एवरेज स्कोर की बात करूं तो यहाँ अराउंड 130 के अराउंड स्कोर देखने को मिल सकता है, पर हम इन स्टेट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि जो आखिरी मैच खेला गया था इस पिच पे वो 2017 में खेला गया था। तो हो सकता है अब काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हों स्टेडियम में, पिच का बिहेवियर चेंज हो गया हो, तो वो हमें टॉस के बाद पिच अपडेट मिलेगा। तो हम आपको जरूर टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे और बताएंगे कि किस तरह की पिच है और किस तरह खेलने वाली है। तो जुड़ जाइए हमसे टेलीग्राम पे। तो अगर गुवाहाटी के वेदर की बात करता हूँ तो यहाँ से weather.com साइट से हमने जो डाटा लिया है उनके मुताबिक आज के दिन यहाँ पे दिन का जो तापमान है वो 34 डिग्री के अराउंड रहने वाला है, वहीं अगर रात की बात करूँ तो ये 26 डिग्री तक जा सकता है। दो आसमान की बात करें तो पार्शली क्लाउडी रहने वाला है, बादल छाए रहेंगे रात को और दिन को भी, तो ये आप समझ सकते हैं कि फास्ट बॉलर को हेल्प मिल सकती है और अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमने पहले वाले मैच में देखा था किस तरह अर्शदीप सिंह ने सारे बैट्समैनों को चलता कर दिया था अपने बेहतरीन बॉल से। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ की बारिश की संभावना की तो ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिन में 10% चांसेस ही है, पर रात की अगर बात करता हूँ तो ये चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं, और हो सकता है आज का मैच हमें बारिश की वजह से कुछ अफेक्टेड दिखे, और हो सकता है कि या तो आवर्स कम हो जाए या फिर मैच ना हो सके। पर हम नेगेटिव नहीं सोचते हुए पॉजिटिव सोचेंगे कि आज कोई बारिश ना हो और फ्रेंड्स को पूरा मैच देखने को मिले। और आखिरी में अगर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, अराउंड 62% के अलावा अराउंड ह्यूमिडिटी रह सकती है।
और अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबल प्लेइंग 11 इंडिया की, तो यहाँ से हमें लगभग यही प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है, जहाँ रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। हालांकि रोहित शर्मा पहले पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, पर हो सकता है आज बेहतरीन पारी खेले इंडिया के लिए और इंडिया को ये सीरीज सील करने में मदद करे। और वहीं केएल राहुल ने एक बेहतरीन पारी खेली थी और इंडिया को मैच जिताकर नॉट आउट क्रीज पर टिके रहे थे। विराट कोहली वहीं पे पिछले मैच में रन नहीं बनाए थे, पर अपनी फॉर्म में वापसी कर ली है इन्होंने और हो सकता है आज बेहतरीन पारी खेले। वहीं सूर्य कुमार यादव की बात करता हूँ, तो इनके चर्चे आजकल हर जगह हैं, बेहतरीन फॉर्म दिखा रहे हैं, लगभग हर मैच में इंडिया के लिए रन बनाए हैं इन्होंने और आईसीसी रैंकिंग में एक लंबी छलांग लगा के ये सेकेंड नंबर पे आ गए हैं। और जिस तरह खेल रहे हैं, लगता है कि जल्दी ही पहली रैंक पे आ जाएंगे। फिर आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के पिछले कुछ मैचेस से बैटिंग आ ही नहीं रही है, क्योंकि इंडिया लगभग पहले 4 या 5 बल्लेबाज ही मैच खत्म करके चले जाते हैं और ऋषभ पंत को बैटिंग नहीं मिल पाई है, क्योंकि दिनेश कार्तिक को एज ए फिनिशर खिलाया जा रहा है और लास्ट में इनको प्रमोट करके भेजा जाता है। हो सकता है इस तरह इनकी बैटिंग ना आने से इनकी फॉर्म को थोड़ा इफेक्ट पड़े, तो हम चाहते हैं कि ये मैच में बैटिंग करें और दिखाए कि ये कितने अच्छे खिलाड़ी हैं और टाइम आने पे अच्छी बड़ी पारी भी खेल सकते हैं। वहीं अक्षर पटेल पिछले कुछ मैचेस से पावर प्ले में आ रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट निकाल के भी ले जा रहे हैं। तो हो सकता है आज क्लाउडी वेदर की वजह से इनको इतनी बॉलिंग ना मिले, पर गजब की फॉर्म दिखाई है पिछले मैचेस से। और फिर आते हैं हर्षल पटेल। तो जैसा कि मैंने पिच रिपोर्ट में कहा था कि ये पिच कटर जो यूज करते हैं बॉलर स्लोअर बॉल उनको ज्यादा हेल्प करती है, तो हर्षल पटेल उसी तरह के एक गेंदबाज है जो बेहतरीन कटर्स डालते हैं, तो हो सकता है आज हर्षल पटेल जीएलपी बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर्षल पटेल एक जीएलपी हो सकते हैं आज, तो इनको एक जीएल में कैप्टन जरूर बनाइएगा अगर दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करती है तो। फिर आते हैं आर अश्विन, जिनको खिलाया गया था पिछले मैच में, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है मिडल ऑर्डर में, तो उनको परेशान करने के लिए इनको ऐड किया था रिजवान चहल की जगह। वहीं दीपक चहर ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, ओपनिंग की थी और बेहतरीन बॉल से टेम्बा बाउमा को इन स्विंगर डाल के और बोल्ड कर दिया था, तो ये भी खतरनाक स्विंग कराते हैं पावर प्ले में, तो इनको जरूर रखिएगा अपनी टीम में। वहीं अर्शदीप सिंह की बात करता हूं, तो बेहतरीन बॉलर है, क्या गजब की गेंदबाजी करते हैं, आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों डाल रहे हैं और वो भी परफेक्ट स्पॉट पे डालते हैं, तो बल्लेबाज चौक जाते हैं इनकी बॉलिंग बॉलिंग खेलते वक्त और अपना विकेट निकाल के दे देते हैं। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ से बात करता हूँ साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की, जिसमें क्विंटन डिकोको को टेम्बा बोमा हमें ओपनिंग करते हुए दिख सकते थे। टेम्बा बोमा की बात करता हूँ, तो यहाँ से मुझे इन प्लेयर को भरोसा नहीं है। हो सकता है 5 पारियों में सिर्फ एक बार अच्छा खेले तो कह नहीं सकते, इसलिए हम इनको टीम में तो रखना की कोशिश करेंगे ही नहीं। वही क्विंटन डिकोक की बात करता हूँ, तो ये एक बड़े प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है, आईपीएल में आपने देखा ही होगा कि किस तरह खेलते हैं, तो इंडिया में इनको खेलने का अच्छा खासा अनुभव है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके मस्ट पिक बन जाते हैं। वहीं आते हैं एडम माक्रम, जो पिछले मैच में जहां सभी बल्लेबाज जल्दी आउट होके जा रहे थे, वहीं ये गजब के शॉट मार रहे थे और अच्छे खासे रन बना दिए थे, जिससे टीम को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाने में मदद मिली थी, तो टीम में रख लीजिएगा, ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। वही रॉयल ऋषभ की बात करता हूँ, तो यहाँ से इन्होंने अभी तक 19 मैच में 458 रन बनाए हैं, जहाँ इनका स्ट्राइक रेट 145 का रहा है, तो बल्लेबाज अच्छे हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, तो आप इनको जेल में जरूर ट्राई कीजिएगा। वहीं आते हैं टी स्टब्स, हालांकि इन्होंने इंटरनेशनल मैच ज्यादा खेले नहीं है, सिर्फ 7 मैचों का अनुभव है, पर आप अगर स्ट्राइक रेट पर ध्यान देंगे तो इनका अब स्ट्राइक रेट 212 का है, आप देख सकते हैं ये। तो एक बहुत हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो जब बैटिंग आती है तो अच्छे खासे रन बना सकते हैं कम गेंदों पे। वहीं डेविड मिलर की बात करें, तो पिछले मैच में एक बेहतरीन बॉल पे आउट हो गए थे, पर बड़े प्लेयर हैं, आपने देखा होगा कि गुजरात टाइटेंस में किस तरह की बल्लेबाजी की थी इनने, तो आप इनको टीम में जरूर रखिएगा, मस्त पिक है।
वहीं आते हैं वार्ने पावल पानेल। तो ये एक लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है, तो हो सकता है आज क्लाउडी वेदर होने की वजह से इनको अच्छा खासा स्विंग मिले और हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को ये अच्छा खासा परेशान कर सकते हैं। वहीं आते हैं किंग्सो रबाडा, तो बड़े प्लेयर हैं, इनको टीम में रखना जरूरी है। वहीं आते हैं तबरेज़ शामसी, जिन्होंने अभी तक 9 मैच में 5 विकेट लिए हैं और अभी अच्छे खासे कोई परफॉर्मेंस इन्हें दी नहीं है, तो हम इनको टीम से तो बाहर ही रखना चाहेंगे। वहीं आते हैं केशव महाराज, जिन्होंने बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो हमें दोनों सेक्शन में पॉइंट दे सकते हैं, तो चाहेंगे कि हम इनको अपनी टीम में रखें अगर इनकी जगह बनती है तो। वहीं आते हैं एंड्रिक नॉर्थ जे, मुझे ये प्लेयर बहुत पसंद है, स्पीड से डालता है, स्विंग कराता है, परफेक्ट बॉलर लगता है, तो हो सकता है आज के मैच में ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, तो आप इनको जीएल में ट्राई जरूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की। तो यहाँ पे टोटल अभी तक दोनों टीमों के बीच 21 मुकाबले खेले गए हैं, वहीं इंडिया ने 12 मैच जीते हैं, तो साउथ अफ्रीका ने भी 8 मैच जीते हैं, वहीं एक में नो रिजल्ट रहा था, तो यहाँ पे टीम इंडिया का पलड़ा भारी है अभी तक। फिर आते हैं कुछ स्टेट्स पे की स्टेट्स पे, तो यहाँ अगर बात करता हूँ पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले हुए हैं, जहाँ इंडिया ने 8 मैच जीते हैं, तो साउथ अफ्रीका सिर्फ 2 मैच जीत पाई है। वहीं वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट सेकेंड की बात करता हूँ, यानी दूसरी बार जो बैटिंग करती है टीम, उसमें टोटल 10 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से इंडिया ने 4 जीते हैं, वहीं साउथ अफ्रीका ने 6 मैच जीते हैं। यहाँ पे लास्ट मैच इंडिया ने सेकंड बैटिंग करते हुए जीत लिया था, तो हो सकता है आज भी इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस दे पिछले मैच की तरह। फिर आते हैं न्यूज अपडेट पे, तो जैसा कि पिछले मैच की तरह यहाँ पे श्रेयस अय्यर, शाहबाज अहमद और उमेश यादव को टीम इंडिया में स्क्वाड में ऐड किया गया है, हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया गया था, वहीं मोहम्मद शमी और दीपक हुड्डा इंजरी के कारण इस सीरीज से बाहर हैं। फिर आती है बड़ी न्यूज जिसने बहुत चिंता में डाल दिया है इंडियन फैंस को, कि जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से इंजरी के कारण बाहर हो गए हैं, और उनकी जगह मोहम्मद सिराज को स्क्वाड में ऐड किया गया है इस सीरीज के लिए। तो आई होप कि T20 वर्ल्ड कप तक जसप्रीत बुमराह फिट हो जाए और इंडिया के स्क्वाड में जुड़ जाए, क्योंकि उनकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, एक बेहतरीन बॉलर है, टीम इंडिया को काफी मैच जिता है इन्होंने। फिर वहीं आती है की बैटल्स, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगी टीम बनाने में। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मैच के इनिशियल टीम की। तो यहाँ पे हमने क्विंटन डिकॉक रखा है, केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड डेविड मिलर, देन ऑलराउंडर सेक्शन में वार्नर पावल, एडन माकराम, देन आते हैं हरदीप सिंह, हर्षल पटेल, किंग्सो रबाडा एंड नॉर्थ जी। तो ये हमारे कैप्टन विराट कोहली हैं और वाइस कैप्टन एडम माकरम है। अगर कोई चेंजेस होता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, जुड़ जाइए हमारे साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैंने बताया मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ कुछ आगे आने वाले बेहतरीन वीडियोस के लिए, और अपना प्यार बनाए रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।